Subscribe to my channel Shysters. It's free to subscribe and also press the bell icon so you will never miss out my any video. अगर आपको मेकअप अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। Hey guys, hi, welcome back to my channel Shysters और मैं हूँ सायमा। सो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है। आप सब जानते हैं ईद आने वाली है तो इसलिए मैंने ये रोज गोल्ड आई मेकअप विद कोरल लिप्स ईद लुक क्रिएट किया है और ये काफी इजी भी है विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले मैं कलर बार का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे और फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूंगी। प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, इसे हमेशा हमें पहले प्राइमर लगाना चाहिए। उसके बाद मैं MN का फाउंडेशन अपनी फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद पूना स्टोर के मेकअप स्पंज की हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये भी थोड़ा व्हाइट दिख रहा है बट ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो ये मेरे स्किन टोन पे आ जाएगा एंड अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो फाउंडेशन ब्रश भी यूज कर सकते हैं। कंसीलर के लिए मैं MAC का कंसीलर यूज कर रही हूँ और मेरा शेड है NC25 और इसे मैं ट्रायंगल शेप में स्पंज की हेल्प से ही अप्लाई कर लूंगी और इसे मैं एज अ आई प्राइमर भी यूज करूंगी। सेम स्पंज की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और ये काइंड ऑफ ओके कंसीलर है। उसके बाद मैं अपने अंडर आई को बेक करने के लिए और जहां पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसे बेक करने के लिए मैं MN का लग्जरी बनाना पाउडर यूज कर रही हूँ और ये बनाना पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पंज की हेल्प से ही इसे अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ, उसके लिए मैं Maybelline की फैशन ब्राउ क्रीमी पेंसिल और मेरा शेड है ब्राउन वो यूज कर रही हूँ। अच्छे स्मॉल स्ट्रोक्स में अपने ब्राउज को फिल कर ले और हमेशा अपने ब्राउज को फिल करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मेकअप का। अब एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपने एक्सेस पाउडर को रिमूव कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इसने इंस्टेंटली आईज को ब्राइट कर दिया है। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं ये सिवाना का चिकन कंटूर पैलेट ले रही हूँ और येलो मैट शेड अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई करूंगी ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। सेम पैलेट में से मैं ये कोरल ब्लश ले रही हूँ एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से और इसे अपने एप्पल्स ऑफ चीक्स पे अप्लाई करूंगी और बहुत लिटिल अमाउंट में अप्लाई करना चाहिए हमेशा ब्लश ताकि वो ज्यादा ना हो जाए। अगेन सेम पैलेट में से मैं ये कॉन्टोर शेड लेके अपने फेस को ब्रॉन्ज अप करूंगी एक एंगल ब्रश की हेल्प से और ये काफी पिगमेंटेड है और ये पैलेट बहुत मल्टीटास्किंग है, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। ये पैलेट आपको अमेजोन पे 500 रुपीज में मिल जाएगा। अब ब्रश को पिंच करके मैं अपनी नोज को स्लाइटली कॉन्टोर करूंगी बिकॉज आई हैव फैटी नोज, सो अगर आपकी पतली स्लिम नोज है तो डेफिनेटली आप ये स्किप कर सकते हैं स्टेप। आई मेकअप के लिए मैं मार्स का मैट आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और ये लाइट पर्पलिश कलर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी और इनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए ब्लेंड करना है ऑलवेज। नेक्स्ट मैं सेम ब्रश की हेल्प से ये डार्क पर्पल कलर सेम पैलेट में से ले रही हूँ, अगेन अपनी आउटर वी पे प्लेस करूंगी और इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करते हुए जाना है। बहुत हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना है। उसके बाद एक राउंड ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं ये डार्क पिंक कलर ले रही हूँ सेम पैलेट में से और इसे अपनी आउटर वी पे आउटर वी पे प्लेस करना है, अगेन उसे ब्लेंड करना है अच्छे से और आप डिजायर अमाउंट जब तक आपको ना मिले तब तक आप कलर को हल्का हल्का लेके प्लेस करें। उसके बाद एक फ्लैट शेडर ब्रश को मैं सेटिंग स्प्रे से वेट कर रही हूँ और ये मैं शिमर ब्रिक ले रही हूँ सिवाना का और उसमें से रोज गोल्ड शेड ले रही हूँ और ब्रश को मैंने इसलिए वेट किया है ताकि ज्यादा पिगमेंटेशन आए आईज पे और मैं ये रोज गोल्ड शेड अप्लाई कर रही हूँ जहां पे मैंने एक्चुअली कलर अप्लाई नहीं किया है वहां पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और काफी अच्छा ब्राइट कलर आ रहा है और मैं कोई कट क्रीज नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट आपको नॉर्मली प्लेस करना है अपने डिजायर अमाउंट जब तक आपको नहीं मिल जाता। आप कोई भी शिमर ले सकते हैं। उसके बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से अपनी क्रीज लाइन को ब्लेंड कर लें ताकि कोई हार्श एजेस और लाइन ना रह जाए। उसके बाद मैं सिवाना का शिमर ब्रिक यूज कर रही हूँ और ये पहला शेड ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से और अपनी नोज को, ब्राउ बोन को, इनर कॉर्नर्स को, हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय चीक्स, क्यूपिड्स बो एंड चिन को हाईलाइट करूंगी और बहुत ब्यूटीफुल सा पर्ली व्हाइट कलर है ये। उसके बाद मैं एक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइनर बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है, जस्ट नॉर्मल लाइनर लगा रही हूँ, नॉर्मल विंग लाइनर होगा और उसके लिए मैं अपने कलर एसेंस का लिक्विड आई लाइनर यूज कर रही हूँ, ये लाइनर मुझे बहुत पसंद है।
उसके बाद एक फ्लैट स्ट्रेट ब्रश की हेल्प से मैं डार्क पिंक कलर और डार्क पर्पल कलर जो हमने क्रीज लाइन में प्लेस किया था वो लेकर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी और उसे ब्लेंड करूंगी, हल्का हल्का स्मच करूंगी। उसके बाद मैं एलेटीन का काजल यूज कर रही हूँ, अपनी टाइट लाइन और वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। और वाटर लाइन पे लगाने के बाद मैं फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, लाइक स्मच कर लूंगी, इजिली स्मच भी हो जाता है ये। उसके बाद मैं वेगा का आईलैश कलर यूज कर रही हूँ अपनी आईलैशेस को कर्ल करने के लिए। मस्कारा के लिए मैं जूम एंड वूश कलर बार का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, एक अच्छी सी कोट अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस लगाऊंगी। लिपस्टिक के लिए मैं अपनी फैशन कलर की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, ये प्रॉपर मैट लिपस्टिक है, इसका शेड नंबर है 64 और ये कोरल लिपस्टिक है और मेरे को कोरल लिपस्टिक्स बहुत पसंद है। ये लिपस्टिक मेरी ड्रेस और आउटफिट के साथ बहुत अच्छी मैच है इसलिए अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपका आउटफिट है। मैंने फॉल्स आईलैशेस लगा ली हैं और ये कंप्लीट हमारा आई मेकअप है। उसके बाद मैं डीआईवाई सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ और सेटिंग स्प्रे हमेशा हमें मेकअप के बाद लगाना चाहिए, हमारे मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है। सो गर्ल्स, ये है मेरा फिनिश लुक, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।